हे गाइस, मेरा जो लास्ट विलेज व्लॉग था उसका ये वाला लास्ट सीन था। तो मैं बता दूं, बेसिकली ये एक मस्जिद है और उसमें ये सारे लोग हैं। अब ये क्या कर रहे एग्जैक्टली मैं तो नहीं बता सकती, बट हाँ ये है कि ये लोग, इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर भूत आया और यहाँ आने के बाद वो निकल जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो यही लोग जाने, मैं इस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहती हूँ। अंदर जाके कैसा लगा? वही जो अभी देखे, क्यों बहुत डर क्यों लगा? यहाँ बहुत अजीब से लोग थे। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, आई होप एज यू कैन सी। और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है मेरा कैमरा। और मैंने खाया पानी पूरी, कितने में पता है? 5 रुपये में 4 पूरी पानी पूरी। मतलब कितना सोचता है ना, ऐसे चीज़ खाने में बहुत मज़ा आता है। समोसा, हाँ समोसा कितने का था? 5 रुपीज का, और इतना टेस्टी था और इतने बड़े बड़े समोसे थे। और अभी जहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा कुछ डिफरेंट है, इतना डिटेल मुझे भी नहीं पता, बट मैं वहाँ जाके आपको बताती हूँ। आ गई जयपुर में। जयपुर का लुक आ रहा तुम्हें? सोचो वाह, हाँ हमारा हमारे गांव में जयपुर का लुक है, और क्या चाहिए बस। तो चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। और अंदर है ये सारे मकबरे, तो ये जो राजा थे उनके मकबरे हैं, जो महल के थे वो सारे। और यहाँ के लोग ये बोलते हैं, ये जो दीवार पे लिखा है, जो भी इसे पढ़ लेगा इसके अंदर का खजाना निकल के बाहर आ जाएगा। बट यस, ये उर्दू में नहीं लिखा है, ये किसी और ही लैंग्वेज में, जो अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। तो अगर आपको पॉज करके वीडियो आप देख ले, अगर आपको लगता है कि आप इसे पढ़ सकते या किस लैंग्वेज में है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये किस लैंग्वेज में लिखा है। अद्विक चिल्ला रहा है, अद्विक बहुत चिल्ला रहा है, सब परेशान कर रहे हैं बच्चे। इस वजह से यहाँ से मैं अच्छे तरीके से फ़ोटो भी नहीं क्लिक करवा पा रही हूँ, और मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। बच्चा बच्चे रहते हैं तो बहुत खिच खिच करते हैं। अद्विक अभियुक्त बहुत खिच खिच है। मैं दिखाती हूँ कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। एक तो वहाँ रोड पर रो रहा है, दूसरा वो वहाँ रोड पर रो रहा है। सब पागल हो गए। एक भी फोटो मैं इन बच्चों के साथ नहीं ले सकती। अच्छा बच्चा ले लो, ये इसके साथ ले लो। ये जो बच्ची है ये सबसे अच्छी है, शांति से। और ये ये एक है महान, कहाँ है शक्ल दिखो, इनकी शक्ल देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ऐसे महान बच्चों की वजह से कोई शूट नहीं कर सकता, फोटो नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये देखो, ये देखो, मेला देखो, ये देखो। बच्चों को अब ऐसे लेके ऊपर जा रहे हैं, मतलब गांव में आ गए तो एकदम टिपिकल गांव वाले बन गए भैया। और कौन ले रहा है? अंकित तुम भी ले रहे हो अभी उसको ऊपर? फिर भी रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अरे मेरा कैमरा इधर चल रहा है। कमेंट करके ये बताएं कि वो किस लैंग्वेज में लिखा है, लाइक उर्दू में तो नहीं है डेफिनेटली, बट वो किस लैंग्वेज में है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी मैं चल रही हूँ अपने घर, तो मैं वहाँ पे भी एक मुझे वो दिखाएगी अलका, वो वाला घर, 55 रूम्स वाला घर, चलिएगा। हाँ तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ जहाँ पे 55 रूम है ना, और क्या है उसमें, उसे भी कुछ भूत भूत है ऐसा या कुछ अलग स्टोरी? अभी हम गए नहीं, देखे नहीं है, उसमें जाके अंदर सुने हैं। हाँ, 55 रूम है उसमें। हाँ, और तो उसमें एक दो रूम बंद रहता है इसका, मतलब कुछ है अंदर उसके। हाँ, हाँ, देखा नहीं है, मतलब जो लोग वहाँ पे रह रहे वो तो बता सकते हैं, राइट? हाँ वो बता सकते हैं, लेकिन बताए तो हम ना। हाँ ठीक है, तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं निकाली लूँ वो राज कि क्यों वो रूम बंद है, और 55 रूम का वो घर है, तो मैं वो सब आपको दिखाऊंगी वहीं पे। अभियुक्त, अरे अद्विक, अद्विक
मटर उगे मटर कहाँ है मटर? चलो देखते हैं हमारे गार्डन में क्या क्या है। चलो गार्डन में कहाँ है मटर? ओ इट्स सो अवसम। अरे मम्मी तो और हैं, तोड़ के खाओ मजे से कि देख क्या रही हो। और क्या है? या मम्मी एकदम जुट गई है निकालने में। अभी तुम भी निकालोगे? तुम फालतू का पत्ता मत दो, मुझे भी दो। अरे तो ये है हमारा मटर। मटर ये देखो, ये सच्ची बात मीठा है ना? मीठा तो है दादी। अभियुक्त घर के पीछे का छोटा सा गार्डन। गार्डन गार्डन हाँ हाँ मैं ली हूँ। क्या कुछ छोटा? नहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर अपने। हो गया वन डे का टूर, विलेज टूर घर का। और अब हम घर जा रहे हैं। 10 बार बोल चुकी हूँ मैं। टू वाला हाउस नहीं देखी। ओह शिट, रहने दीजिए, टाइम भी नहीं। या तो पहले से सुबह प्लानिंग करके आओ। प्लानिंग क्या? तो वो 55 रूम वाला प्लान कैंसल हो चुका है, क्योंकि वो लोग जो जिनका घर है वो लोग वहाँ नहीं रहते, वो लोग कहीं और रहते हैं। तो सॉरी गाइस, मैं वो आपको घर नहीं दिखा पाई। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्या क्या है जरा बताओ तो अच्छे से उस घर में। लेकिन क्या फायदा, आप तो देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है यार, अब नहीं देख सकते। नेक्स्ट टाइम मे बी अगर हम आए तो। मैंने अभी इस घर के बारे में सुना, मैं कभी नजर नहीं दी थी ना। क्या तो जाके देखना चाहिए। मैं इतने दूर से, अब जाना देख लेना, फिर मुझे बता देना कि क्या एक्चुअली। अभी मैं जा रही हूँ मेरे दूसरे ताऊ जी के घर पे, और भाभी खा रही हैं क्या? मुझे खिला रही हैं। मुझे क्या है? अमरूद। अमरूद पर मुझे ऐसा, भाभी देखो वो गोबर पर, मुझे ना एकदम वैसा वाला पसंद है, यू नो, पका हुआ एकदम बैल। और ये गांव का गोबर, गांव का गोबर दिखाओ, गोबर दिखाओ, गोबर। अरे काउ डंग तो फॉरनर बोलते हैं यार, गोबर है गोबर। सो गोबर कहाँ गया? गोबर नहीं यार, ज्यादा दिखाओगे तो गुस्सा हो जाएंगे। चलो आर्या 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 किस चीज के लिए हो रही है? ये देखो, ये आर्या के ये जो है ये, हाँ इसमें का ये फिट करो, ये हाँ तो ऐसा वाला, ये सारे में का गुम हो गया, इसलिए आर्या रो रही है। कहाँ गुम हुआ है? सीरियसली आर्या, पता नहीं कहीं गिर गया। कोई बात नहीं, और मिल जाएगा यार। रोते नहीं आर्या तो कभी देखी नहीं है ये सारी चीजें। हम गांव में कितने सारे खेलते थे पहले। वो उसके साथ मिलता था ना हल्का, वो नमकीन वमकीन लेते थे उसके साथ, मिलता था उसके साथ मिलता था। नहीं मैं खेली उससे। ओके, मेरे को पेंसिल सेट में मिलता है। अच्छा खेला। चलो अब जाते हैं, और आई थिंक अभी 10-15 मिनट में हम निकल जाएंगे। आम का पेड़ इतना नीचे, अभी सीजन नहीं है इस वजह से, नहीं तो सीजन रहता तो पूरे आम ऐसे नीचे नीचे रखते, और बड़ा मज़ा आता है गांव में खाने में। और यू नो मुंबई में तो खरीद के खाना पड़ता है, वो भी इतने टेस्टी नहीं मिलते, बट यहाँ पे तो तोड़ के खाने का मजा ही कुछ और है। और अब हम जा रहे हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, और नहीं पसंद आया तो भी लाइक कर दें। सो मैं बोलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन। उसको बजाना टिंग, ठीक है। सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन, बाय एंड बी स्टाइलिश।